काश मैंने कुलसुम आंटी को खुद बता दिया होता कि मैं मलिया से प्यार करता हूँ, तो शायद उनको इतना बुरा ना लगता। लेकिन लेकिन जिस तरीके से उन्हें पता चला है, ये ठीक नहीं हुआ। अब वो मेरे बारे में कितना गलत सोच रही होंगी कि उनको लग रहा होगा कि जैसे कि मैं कोई सड़क छाप लड़का हूँ, उनकी बेटी पे बुरी नजर रखता हूँ। खैर वो भी अपनी जगह ठीक है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता। मलिया के आंसू देख के मैं बेचैन हो गया था। पापा, पापा मेरी ड्राइंग देखे ना, पापा पापा ये देखे ना, मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। पापा पापा ये देखे मैंने कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है, कब से आवाज दे रही हूँ मैं आपको। सॉरी बेटा, आपकी बात ही सुनी, आ जाओ बैठो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है, लेकिन ये इतने सारे लोग कौन है? पापा ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, और ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये मेरी मम्मा और ये आप हैं। और इसका नाम एमन किसने रखा? पापा इसका नाम एमन टीचर ने रखा, मैंने उनको इतना बोला कि एमन तो अकेली है, उसके ना ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ना उसकी मम्मा है, ना उसका भाई है, सिर्फ वो अकेली है, इसलिए उसका नाम मत रखे एमन। फिर भी टीचर ने बोला लड़की का नाम तो एमन ही होगा, इस वजह से। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा की बातें नहीं करते। लेकिन पापा आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप मेरी मम्मा को जल्द से जल्द वापस ले आएंगे। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं उनके साथ खेलूं, हर वक्त उनसे बातें करूं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं बहुत जल्द आपकी मामा को ले आऊं, ठीक है? मुझे कुलसुम आंटी से बात करनी होगी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और कोई टेंशन नहीं लेनी। अलिया मैं खुद कहाँ टेंशन लेती, तो टेंशन है जो मुझे खुद ढूंढ लेती है और मुझसे आ लिपटती है। अगर वो आपसे आ लिपटती है ना, तो आपको झटकना आना चाहिए, लेकिन आप हैं कि उसे खुशी खुशी गले लगा लेती हैं। आपको पता है आपका बीपी कितना हाई था? कोशिश तो कर रही हूँ ना, जैसा हर कोई बहादुर भी तो नहीं होता जो एक साथ 10-10 महाजों से लड़ सके। आपकी बहादुरी सब में होती है, लेकिन उसे पहचानना आना चाहिए, और जिस दिन आप पहचान जाएंगी ना, आप खुद से लड़ना सीख जाएंगी। ये किसका फोन आ रहा है बार बार? फाहद का फोन आ रहा है। तो उठाओ ना। उठा क्यों नहीं रही, इतनी देर से कॉल्स कर रहा है, जरूरी काम होगा। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी किसी से बात करने का। मलिया कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। आप छोड़े ना इस बात को, आप अपना ख्याल रखें और मैं जरा स्कूल का काम कर लूं, ठीक है? और सो जाइएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मलिया ऐसी हरकत कर सकती है। मैंने कितना भरोसा किया था उस पर, और उसने कैसे मेरा भरम तोड़ दिया। अम्मी प्लीज दूध पी लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अम्मी आप मुझसे नाराज हैं, पर गुस्सा खुद पर तो मत उतारे ना। दूध से मेडिसिन ही ले लें।
प्लीज अम्मी मुझसे बात करें, मुझे डांटें, मुझे मारें, लेकिन मुझसे बात तो करें अम्मी। देखो मलिया, महनाज की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तुम ये शोर शराबा करके उसे मजीद टेंशन मत दो। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ, वरना मेरे अंदर जो उबाल है वो बाहर आ गया तो इस घर में जो तुम्हारा भरम है ना वो खत्म हो जाएगा। अम्मी तुम जा रही हो या मैं खुद चलूं? नहीं मैं जा रही। छोड़ के जाने वाले कोई आस छोड़ जाते, मेरा टूटा हुआ दिल मेरे पास छोड़ जाते, किस्मतों में लिखे वो सारे लफ्ज ना मिटाते, मेरे जीने के लिए भी कुछ लफ्ज छोड़ जाते, ऐ जिंदगी जरा भी तुझे तरस ना आए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए, पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वो ही दिल तोड़ जाए मेरे रब्बा। आज बहुत अच्छा लग रहा तुम्हें साथ बैठा देखकर, फरनम आजकल तो तुम्हारा आमना सामने कम होता है मुझसे। जी पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वो क्यों भाई? वो इसलिए कि आप याद करें, दो तीन सालों में जब भी आपका मेरा आमना सामना हुआ है हमेशा शोर शराबे में खत्म हुआ है ना? वो इसलिए कि हमेशा मुझे तुम्हारी कोई बेतुकी हरकत देखने या सुनने को मिलती है, या तुम किसी बात पर जिद लगाकर बैठ जाते हो। सुल्तान अब ये क्या सुबह सुबह नाश्ते की मेज पे आप दोनों लड़ने लगे, कम से कम नाश्ता तो सुकून से कीजिए। नहीं मम्मा, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट पापा जो कह रहे हैं मैं उस बात से एग्री करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा अब से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्या तुम किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं तो मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रोजाना ऑफिस जाऊंगा, और क्या। शाबाश मेरे बेटे, आखिर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो ही गया। जी मामा, क्योंकि अब से मुझ पर फायजा की जिम्मेदारी जो आ रही है तो मुझे जिम्मेदार हो जाना चाहिए, है ना? वैसे ये आज की शायद सबसे अच्छी खबर है। पर मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुमने इतनी अच्छी तालीम हासिल की तो इसका फायदा हमारे बिजनेस को होना चाहिए। जी चलो ठीक है, तुम ऑफिस ज्वाइन करो, मैं जैन को कहूंगा, वो तुम्हें सारा काम समझा देगा। जैन को क्यों? आपके ऑफिस में और कोई काबिल इंसान नहीं है क्या? नहीं बेटा, बहुत सारे लोग हैं लेकिन जैन बहुत काबिल बंदा है, वो तुम्हें अच्छा काम समझाएगा। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, जैन के अंडर काम करके देख लेता हूँ, पता चल जाएगा मुझे कि वो कितना काबिल है। अरे चलो ठीक है, मैं आज इंतजार करता हूँ, तुम तैयार होकर आ जाओ, एक साथ ऑफिस चलते हैं। नहीं पापा आज नहीं प्लीज, आज कुछ मुझे जरूरी काम है, कल से ज्वाइन करता हूँ ना पक्का। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा आप क्यों उठ गई? आपको तो मजीद आराम करना चाहिए। अभी कर लिया आराम जितना करना था, अब ठीक हो मैं। तुम जाओ, तुम स्कूल की तैयारी करो, मैं बनाती हूँ। आप ही स्कूल जाने में अभी बहुत वक्त पड़ा है और तब तक तो सारे काम खत्म भी हो जाएंगे, आप एक दिन और आराम कर लें। मलिया कल तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर मैं खुद को बहादुर समझूंगी तो ही बहादुर बन पाऊंगी, अब मैं बहादुर बनना चाहती हूँ तो तुम मुझे क्यों कमजोर कर रही हो? आप ही, मैंने आपको बहादुर बनने को कहा है, टार्ज़न बनने को नहीं। और बहादुर बनने के लिए ना हौसला करना पड़ता है, किचन के काम नहीं।
मलिया, तुम्हें कुछ फील हो रहा है कि अम्मी नाराज नाराज सी है? नहीं नहीं अम्मी क्यों नाराज होंगी भला? नहीं, से नाराज हैं वो। मैंने तुम सबको इतना परेशान जो कर रखा है। प्लीज आप ही, अब आप फिर से रोना धोना मत शुरू कर दीजिएगा। वैसे भी उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, तो आप जाके उन्हें नाश्ता दे दे। क्या क्या मतलब है कुछ नहीं खाया? और तुमने भी नहीं खिलाया उनको। तुम्हें पता ना अम्मी का भूखा रहना ठीक नहीं है उनकी सेहत के लिए। आपी, मैंने बहुत कहा था लेकिन अम्मी नहीं मानी। वो शायद आपकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। आप जाके उन्हें नाश्ता करवाएं, हो सकता है वो आपके हाथों से खा लें। चलो ठीक है, तुम जाओ, फायजा को भी बुला लो, मैं नाश्ता बनाकर आती हूँ, सब मिलके एक साथ नाश्ता करते हैं। अब नहीं आपी, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप लोग कर लें नाश्ता। तंग नहीं कर, जाके फायजा को बुलाओ, मैं नाश्ता बनाकर आती हूँ, जाओ। कौन आ गया यार इतनी सुबह सुबह, क्या टाइम? तुझे एमन 7:30 हो गए यार। उठो उठो उठो, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी जल्दी, मैं एक मिनट में वापस आ रहा हूँ। बिस्तर से बाहर होना चाहिए तुम्हें। अरे आयशा, मैं समझ गई थी आज आपकी आंख नहीं खुली। वो दूध वाला आपका पैकेट हमारे घर दे गया था, कह रहा था कि भाई दरवाजा नहीं खोल रहे। हाँ वो पता नहीं क्यों, मैं अलार्म भी लगाया हुआ था लेकिन उठ ही नहीं पाया। ये क्या ले आई? नाश्ता। अब क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप नाश्ता बनाएं? अरे वाह यार, मैं तो अभी सोच ही रहा था कि नाश्ता बनाता हूँ। जबरदस्त हो गया यार। वैसे पता क्या, तुम हमारे लिए वो अलादीन का जिन बनती जा रही हो। लेकिन अच्छी बात तुम्हारी ये है, तुम्हें कोई फरमाइश या हुक्म नहीं करना पड़ता, तुम हमारी ख्वाहिश वैसे पूरी कर देती हो। इसे जिन नहीं बल्कि दिल से दिल को राह होना कहते हैं। आप मेरे अपने हैं, इसीलिए मुझे खुद ब खुद आपकी सब जरूरतों का पता चल जाता है। अच्छा शहर में से तुम्हारी बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन जो भी कह रही हो ठीक कह रही होगी। यही तो शिकायत है मुझे आपसे कि आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आती, या फिर आप जानकर समझना नहीं चाहते। गुड मॉर्निंग पापा, मैं फ्रेश हो गई हूँ, आप मुझे स्कूल के लिए रेडी कर दे। आओ मेरी जान, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। फहद जाए, आप जाके अपनी तैयारी कर लें, मैं अमन को तैयार कर देती हूँ। थैंक यू। जाओ अमन बेटा, आप कपड़े निकालो, मैं आती हूँ। ओके। थोड़ा टाइम तो लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगी। हेलो, क्या मुसीबत है नुमान, बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? तुम्हें पता है ये कॉलेज का टाइम है, तैयार हो रही होती हूँ मैं। जी नहीं, आज कोई कॉलेज नहीं जा रहा, आज आप मेरे साथ जा रहे हैं, ये बताया तो था तुम्हें मैंने। पागल तो नहीं हो गए नुमान? तुम्हें पता है इस महीने मैंने कॉलेज की 5 छुट्टियां कर ली है, अब एक और छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, छठी बार भी टीचर को बहाना कर देना कि बीमार हो गई हूँ और क्या। नुमान मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं यार, और मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं एग्जाम्स में करूंगी क्या, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। अच्छा ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और घर बसाने के बारे में सोचो यार। चुप करो नुमान, क्या रट्टू तोते की तरह हर वक्त एक ही बात दोहराई जाते हो। भाई देखो मुझे कुछ पता नहीं करना, बस मैं आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुँच रहा हूँ, बाहर आ जाना। अगर आ रहे हो ना तो फिर बाहर खड़े रहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं नहीं आने वाली आज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बुलाऊं और तुम ना। जी नहीं, आज तो मैं पक्का नहीं आने वाली, देखते। नुमान क्या मुसीबत है यार, ये लड़का कितना जिद्दी है, क्या करूंगी मैं। मिचा
मैं आप नाश्ता क्यों नहीं सही से कर रही? और मलिया मुझे बता रही थी कि आप दो दिन से ठीक से खा भी नहीं रही है। प्लीज नाश्ता तो कर लीजिए सही से। मीठा खा लिया जितना खाना था मैंने, और भूख नहीं लग रही। और तुम ये क्या कामों में लग गई हो? तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए ना। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको पता है मुझे ऐसे फालतू बैठना नहीं पसंद। आप ही जल्दी से नाश्ता लगा दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। फैजा बेटा आज तुम कॉलेज से छुट्टी कर लो, थोड़ा हाथ बटा देना मेहनाज का, इसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। क्यों अम्मी, आज नहीं छुट्टी कर सकती, आज वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मुझे जाना जरूरी है। आप ही सारे काम छोड़ दीजिएगा, मैं घर आके सब कर लूँ। ठीक है तुम जाओ, अम्मी बिला वजह ऐसी काम को लेकर परेशान हो रही है। काम सारे हो जाएंगे मैं कर लूंगी, तुम जाओ बस। ठीक है अम्मी मैं चलती हूँ। मलिया नाश्ता तो करके जाओ, ऐसी खाली पेट क्यों जा रही हो? नहीं आप ही मुझे भूख नहीं है, और आप अपनी दवा याद से ले लीजिएगा शाम को। हाँ मैं याद से ले लूंगी। फायजा मैं जरा सी नजर इधर उधर करती हूँ, तुम अपनी मनमानी करने शुरू कर देती हो। बेटा अब मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि कॉलेज जाते हुए चादर ओढ़ के जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती, बगैर चादर ओढ़े जा रही हो। मियाँ बाहर गर्मी तो देखिए, इतना मोटा दुपट्टा पहना हुआ मैंने, और फिर चादर भी पहन लूं, मुझसे नहीं पहनी जाती है चादर। क्यों नहीं पहनी जाती? और लड़कियां भी तो हैं जो चादर ओढ़ के जाती है ना, तुम क्या अनोखी हो? क्योंकि दूसरी लड़कियों को बचपन से आदत होती है, मुझे बचपन से आदत नहीं है चादर पहनने की। आप आदत डाल लो फायजा, मुझे माँ से झूठ बोलने वाली और धोखा देने वाली औलाद बिल्कुल पसंद नहीं है। चादर ओढ़ के जाना। तुमने कुछ खाया है? मैं खा लूंगी, आप नाश्ता करें। मुझे मलिया बता रही थी कि आपने दो दिन से सही से खाया भी नहीं है। नहीं खाना मैंने बस। अच्छा ना प्लीज अपना मूड ठीक करो। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जब भी आता हूँ तुम्हें एक घंटा बनाता। हाँ तो तुम भी तो बेकार की बातें कर रहे हो ना, खुद सोचो मैं सैलून सर्विसेज लेके घर जाऊंगी तो अम्मी ने चप्पलों से मार मार के ना मेरी ब्यूटी सारी निकाल देनी है। यार ये क्या मुसीबत है। यही मुसीबत है मिस्टर, इसलिए अब जरा जल्दी गाड़ी चलाओ ताकि मैं फटाफट कॉलेज पहुंचूं। यार फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही लगा हूं। मेरी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने में लगे हुए? तुमने नहीं मुझे बताया था एक दफा कि तुम्हें बिजली का बिल पे करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस दफा मैं ही बिजली का बिल पे कर सकूं। सादा ना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, जल्दी बताओ कौन सी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो। जनाब सरप्राइज है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है बता देना जब वक्त आएगा, लेकिन अभी गाड़ी चला लो इससे पहले कि दूसरी क्लास भी मिस हो जाए। ओके। मेरे ख्याल से मैंने जो बात कहनी थी वो आप लोगों को समझ तो आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि यास्मीन आपके पास कुछ सजेशंस हैं, मैं चाहती हूँ आप तमाम टीचर्स के साथ शेयर करें। जी मैम मैं ये कह रही थी कि हमें एक चार्ट तैयार करना चाहिए जिसमें तमाम टीचर्स अपने अपने क्लास के बच्चों की प्रोग्रेस मेंशन करेंगे। ठीक है। और फिर वीकली एक पेरेंट्स मीटिंग रख के हम तमाम बच्चों के पेरेंट्स को वो प्रोग्रेस दिखाएंगे, उससे वो पेरेंट्स मुतमइन भी हो जाएंगे और हमें अलग अलग उन सबको जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ ये बेस्ट है मिस यास्मीन। मैं एक्चुअली इन्हीं की बात में ऐड करना चाह रहा था। मेरे ख्याल में आज की मीटिंग हमारी खत्म हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट वीक मीटिंग करेंगे। Thank you.
क्या बना नुमान का? उसके सर से उस लड़की का भूत उतरा के नहीं? जानती तो हो, इतनी आसानी से भूत कहाँ उतरता है? तो समझाए ना उसे, इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करने जा रहा है? अच्छा, जब तुम्हें समझाया था तो तुमने कौन सी बात मान ली थी जो मैं उससे कोई उम्मीद लगाऊं? मॉम, आप ज़ैन का कंपैरिजन उस लड़की के साथ करें, दिस इज नॉट फेयर। ऑफ कोर्स इट्स फेयर, इसलिए कि वो लड़की भी उसी क्लास की है जिस क्लास का ज़ैन था। वो तो और बात है कि हमारे बीच में रह रहे के वो भूल चुका है वो सब बातें। वैसे किंजा, मुझे तो लगता है ये लड़की ज़ैन से बेहतर होगी। मामा, जब आप ज़ैन की बुराई करती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ज़ैन भी ये बात फील करता है। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा शौहर बहुत समझदार है, मगर काश वो इस बात को अगर पहले महसूस कर लेता तो मैं क्यों उसे बुरा कहती। मामा, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपको ज़ैन से आखिर शिकायत क्या, जब उसने मुझे हर तरह से खुश रखा हुआ है। उसने नहीं, तुमने उसको खुश रखा हुआ है, इसीलिए वो तुम्हारी जी हुजूरी करता रहता है। खैर छोड़ो इन बातों को, हम दोनों को फायजा के घर जाना है। आई एम सॉरी मामा, नुमान की इस बेवकूफी में मैं उसका साथ नहीं देने वाली। आपको जाना है ना, आप अकेली चली जाए। मैंने कहा ना, मैं और तुम फायजा के घर जा रहे हैं, समझी तुम? बहस मत करना मुझसे बिला वजह की। और सुनो, जरा अच्छा सा कुछ तैयार हो जाना, मैं थोड़ी देर के लिए मिसेज इफ्तिखार के यहाँ जा रही हूँ। पापा आ जाए तुम्हारे तो उनको बता देना। मामा ने मेरी दफा तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, पर अपने बेटे के लिए खुशी खुशी उस गन में जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैं ना किसी भी कीमत में उस गन में नहीं जाऊंगी। मलिया, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मलिया तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आ जाओ चलो। नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अच्छा क्या बात है बेटा, मैं इस तरह क्यों देख रही हो, कोई परेशानी है क्या? ये तो आपसे पूछना। क्या बात है, अलिया से नाराज हैं क्या आप? तुमसे ये किसने कहा? अम्मी मुझे किसी को बताने की जरूरत है, कल से देख रही हूँ अलिया का अलग चेहरा उतरा हुआ है, यहाँ आप अलग चुप चुप बैठी हुई हैं। नहीं बेटा, मैं मलिया से क्यों नाराज होंगी, तुम्हें ना बस ऐसे ही लगा होगा। अम्मी जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के झूठ और सच पकड़ लेते हैं ना, इस तरह बच्चे भी अपने माँ बाप की हर चीज जान लेते हैं। ये रिश्ता ही इतना गहरा होता है, प्लीज बताए ना, मुझे घबराहट हो रही है। अरे बेटा तुम अभी बीमारी से उठी हो, ये बेकार की बातें सोच के खुद को परेशान मत करो। जब मैंने कह दिया है तो तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है बेटा? कसम खाए मेरे सर पे हाथ रख के कि कुछ भी नहीं। क्या करूं मैं नाज तो जिद पर ही आ गई। बेशक मलिहा ने गलत हरकत की है, लेकिन फिर भी मैं एक बेटी के सामने दूसरी बेटी का तमाशा नहीं बना सकती। सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी झूठी कसम खा के आप रिस्क नहीं लेंगे। अभी तो हॉस्पिटल से आई हूं मैं। क्या मैनर्स, अब तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करोगी बेटा? जा कर रही हूं।
प्लीज बताया ना क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, माँ हूं मैं तुम लोगों की, कसमें खा खा के अपना यकीन नहीं दिला सकती, सफाइयां नहीं पेश कर सकती। मेरे और मलिहा के दरमियान अगर कुछ हुआ है, मैं उससे नाराज हूं या खुश हूं, ये मेरा और उसका मसला है बेटा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। तुम जाओ जाके किचन में खाने का इंतजाम देखो, जाओ बेटा। मलिया गाड़ी में बैठो। तुम सुन नहीं रही मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, गाड़ी में बैठो। मैं खुद चली जाऊंगी, अपनी बस का इंतजार कर रही हूं, जैसे वो आएगी चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं बस में जाने की, जब मैं घर की तरफ जा रहा हूं तो तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। क्यों, आप क्यों छोड़ेंगे मुझे घर? मुझे घर छोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। मलिया मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो, मैंने क्या किया है? मुझे मेरा कसूर तो बताओ। कसूर आपका नहीं है, कसूर सारा मेरा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम क्या कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज यहाँ से चले जाओ, सड़क पे तमाशा मत बनाओ। मैं तमाशा बनाऊंगा, अगर चुपचाप मेरे साथ तुम यहाँ से नहीं चली तो फिर देखना क्या होगा। चलो बैठो, चलो। बेशक मैंने महनाज को डांट कर चुप तो करा दिया, लेकिन उसका परेशान होना भी ठीक ही है। मैं कभी अपनी बच्चियों से ऐसे नाराज भी तो नहीं हुई। अब जब फायजा को मेरी नाराजगी का पता चलेगा तो वो भी यही सवाल करेगी, फिर मैं क्या करूंगी? कहीं मेरी ये नाराजगी मलिहा को उसकी बहनों की नजरों में गिरा तो नहीं देगी? अच्छा है ना, उसने भी तो मेरा मान तोड़ा है। लेकिन क्या मैं मलिहा की एक गलती पर उसकी वो सब कुर्बानियां भूल जाऊं जो उसने मुश्ताक के पढ़ने के बाद इस घर के लिए दी हैं? अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। क्या हुआ, मुझे देख के तो ऐसे चौंकी जैसे मैं कोई भूत हूँ। नहीं तो, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो, यूनिफॉर्म चेंज करो, फिर खाना खाते हैं। मेरी क्या ऐसी अम्मी। ओके।
कतरा आंसू बन के बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जर्रा जर्रा उड़ता जाए। यार अम्मी को क्या हो गया है, बहुत उलझी और परेशान लग रही है। मुझे भी डांट दिया तो फिर जरूर कोई ना कोई बात होगी जो मलिया और अम्मी दोनों मुझसे छुपा रही हैं। आपी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत भूख लग रही है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। खाना कब लगाएंगे पहले बताएं। बस 10 मिनट। 10 मिनट? अच्छा खाने में क्या बनाया है? आलू गोश्त। आलू गोश्त? अब तो मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होनी है। अच्छा सुने, प्लीज चावल भी बना लें। बना दिए, जानती थी मैडम को आलू गोश्त अब्बू की तरह चावल के साथ पसंद है। अच्छा तुम जाके अंदर बैठो, मैं जब तक सब्जी काट कर आती। और हाँ, अम्मी को तंग ना करना। क्यों, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, सुबह से कुछ चुप चुप सी है। चलो भाई, फिर कोई नई मुसीबत आने वाली। मुझे लगता है इस घर में हम सुकून से रह ही नहीं सकते हैं। एक लगाऊंगी खींच के, अंदर जाके खामोश होके बैठ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी, और इस जगह के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम और मैं सुकून से बैठ के बात कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आया। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो बेहतर ये है कि तुम मुझे घर छोड़ दो। क्यों नहीं करनी तुमने मुझसे बात? किस बात की सजा दे रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं किसी को क्या सजा दूंगी फहद, मैं तो खुद मुजरिम बन गई हूँ अपनी माँ की। उनके सामने मेरा सर शर्म से झुक गया है। मेरी बहन की ये हालत है और उसकी फिक्र करने के बजाय मैं फाहतु, तुम्हें पता है अम्मी ने कल से मुझसे बात नहीं की, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि अम्मी हम में से किसी एक से इस तरह नाराज हुई है। कौन सा कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ ये मैं मानता हूँ कि गलत हुआ जिस तरीके से आंटी को पता चला है, और मुझे उनको पहले बता देना चाहिए था। और मैं अब यही करूंगा, मैं जाके उनको साफ साफ बताऊंगा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। नहीं, हरगिज नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी माँ की नजरों में बिल्कुल ही गिर जाऊं? मैं पहले ही उनका मान तोड़ चुकी हूँ। महनाज आपी ने इतनी मुश्किल से खुद को संभाला है, सोचो अगर वो मेरी शादी का सुनेंगी तो उन पे क्या गुजरेगी, वो टूट जाएंगी। इसमें ऐसी कौन सी बात होगी, ऐसा कौन सा तुम गुनाह कर रही हो भाई? भाई शादी की बात कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी होनी है ना। देखो फाहद, महनाज आपी और फाइजा की शादी से पहले मैं खुद की शादी का सोच भी नहीं सकती। ठीक है तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम भूल जाओ मुझे। ये क्या बकवास है, ऐसा मेरे मरने पे ही हो सकता ना। मैं तुम्हारे लिए ना तुम मेरे लिए, कोई किसी के लिए नहीं मरता फाहद, ये सब झूठ है। लेकिन मलिया, प्लीज फाहद, खुदा के लिए मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। माना कुछ टाइम के लिए मैं बहक गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया, मेरी जिंदगी मेरी नहीं मेरे घर वालों के लिए है, वो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे खुद के बारे में सोचने का कोई हक नहीं। तो हम मिलकर ये जिम्मेदारी बांट लेते हैं ना। देखो मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुझे कबूल कर लो। मेरी राह बहुत मुश्किल और मंजिल बहुत दूर है, तुम मेरा साथ नहीं दे सकते फहद। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी।
एक दफा आजमा के देख। वादा करो मुझसे। पक्का वादा।